नमक एक ऐसी चीज है जो सभी के घरों में उपलब्ध रहता है और यह समुद्र से उत्पन्न होने वाली चीज है और समुद्र से जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं उनकी एक अलग ही खास विशेष शक्ति मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी स्वयं समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए नमक में एक ऐसी गजब की अद्भुत शक्ति मानी जाती है जो हर प्रकार की नेगेटिविटी को तुरंत ही समाप्त कर सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक के इस्तेमाल के बारे में पता नहीं होता है कि किस प्रकार नमक का इस्तेमाल वह कर सकते हैं, कितने दिन तक नमक का इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, कौन कौन सी वह अलग अलग परेशानियां हैं जिनमें नमक का इस्तेमाल बड़ी आसानी से करके उन परेशानियों को समाप्त किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों आपको बता दें कि नमक समुद्र से उत्पन्न होता है और स्वयं माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न ही होती हैं, इसीलिए माता लक्ष्मी को श्रीम कहा जाता है। श्रीम का अर्थ होता है जो प्योर पॉजिटिविटी होती है। इसी प्रकार से नमक में भी एक प्योर पॉजिटिविटी मानी जाती है। बल्कि जब भी आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस समय सूरज उगने वाला होता है उससे बिल्कुल 40 मिनट पहले आपको नमक अपने घर में जलाना है। नमक को जलाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी बर्तन में पानी लेकर उसमें आप नमक डाल दें और उस पानी को गर्म करते रहें। इससे वह नमक भाप बनकर जलने लगेगा। इसी प्रकार जब सूरज ढलता है उसके 40 मिनट तक, यानी कि सूरज ढलने के बाद का जो समय है, 40 मिनट का जो समय होता है वह बड़ा ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। सूरज उगने से पहले 40 मिनट का समय और सूरज डूबने के बाद का 40 मिनट का समय महत्वपूर्ण होता है, तो उन्हीं में आपको नमक को जलाना है। और जिस प्रकार हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना है। अगर लगातार रोज 21 दिन तक अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी संकट अगर घर में मौजूद होता है या होने वाला होता है तो वह निश्चित ही बड़ी तेजी से टल जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर नकारात्मक ऊर्जाएं आपको लगती हैं कि आपके घर में मौजूद हैं तो बिल्कुल वह भी साफ हो जाती हैं, क्योंकि नमक से जो भाप निकलती है उसमें एक गजब की ऐसी शक्ति होती है जो बिल्कुल ऑरा को क्लीन कर देती है और आसपास की वाइब्रेशन को जो नेगेटिव होती है उसको भी बिल्कुल दूर कर देती है। तो यह बड़ा ही आसान सा प्रयोग है जिसे हर कोई करके लाभ उठा सकता है। बल्कि इस प्रयोग को आप अभी स्वयं खुद करके देख सकते हैं। अगर आपके मन में बहुत ही ज्यादा ख्याल विचार चलते हैं तो बस पानी को गर्म करने के लिए आप छोड़ दें और उसमें नमक आप डाल दें और जो भाप निकलती है उसे इनहेल करना शुरू करें। बल्कि जिन लोगों को जुखाम आदि वगैरह हो जाता है, जब उन्हें वायरस पकड़ लेता है या फिर मौसम से होने वाली जो बीमारियां हो जाती हैं, तो वे नमक की अगर भाप लेते हैं तो उन्हें तुरंत बिल्कुल अच्छा लगने लग जाता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास होने लग जाती है, वह खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और तुरंत नमक की भाप लेने से पॉजिटिविटी का संचार होने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपना मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर चक्र जो होता है वह धन का स्थान होता है, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्थान होता है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि तंत्र साधनाओं से जुड़ी हुई जानकारी है और क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजें आपको बताते हैं, तो आप ये जान लें कि नाभि केंद्र जो होता है, जहाँ पर नाभि होती है उससे बिल्कुल दो उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है जो कि धन का स्थान होता है और सुख समृद्धि का स्थान होता है। यानी कि जितनी भी किस्मत बलवान होती है वह मणिपुर चक्र के कारण ही बलवान होती है। और जितनी चीजें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जैसे दूसरे लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, खास करके धन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वे मणिपुर चक्र के बलवान होने से ही होती है। अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र बलवान नहीं होता है, प्रभाव में नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत ही क्यों ना कर ले, उसकी किस्मत उसका कभी भी साथ नहीं देती है। धन की परेशानी उसे लगातार बनी रहती है और कर्ज की समस्याएं उसे घेर ही लेती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर वह कोई कार्य भी करता है तो कार्य में उसे सफलताएं नहीं मिल पाती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र प्रभाव में होता है, बलवान होता है, तो वह बड़ी आसानी से धन आकर्षण कर लेता है और जिस भी कार्य को करता है उसमें निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। कुंडली के अनुसार भी बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि उस व्यक्ति का कौन सा चक्र बलवान है। तो अगर ऐसा पता लग जाता है
और वह व्यक्ति अगर उसी चक्र पर ध्यान लगाना शुरू करता है, उसी चक्र की साधनाएं करता है, उसी चक्र के मंत्र का जाप करता है, तो उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलताएं आने लग जाती हैं। हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और कुंडली के अनुसार उसके चक्र भी बिल्कुल अलग ही पता लग जाते हैं, क्योंकि किसी में मणिपुर चक्र बलवान होता है, किसी में अनाहत चक्र बलवान होता है, यानी कि सभी के चक्र बिल्कुल अलग अलग सातों चक्रों में से कुंडली के अनुसार एक चक्र ऐसा होता है जो हर एक व्यक्ति का ज्यादा प्रभावशाली होता है और बस उसी के अनुसार उसकी पूरी जिंदगी वहीं पर वह घूमने लग जाता है, यानी कि वहीं पर उसकी पूरी जिंदगी घूमती रहती है। आपने खुद भी ऐसे काफी लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं जिनकी इंट्यूशन पावर यानी कि दूसरों को जानने की जो शक्ति होती है वह काफ़ी ज़्यादा बलवान होती है, तो ऐसे लोगों का बचपन से ही आज्ञा चक्र बलवान होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पूरा दिन सोते हैं, थोड़ा सा कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी धन की समस्या उनके जीवन में कभी भी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों का मणिपुर चक्र ज़्यादा प्रभाव में होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग उनकी ओर ही आकर्षित होते हैं। उनमें एक ऐसा गजब का अदृश्य शक्ति होती है जो दूसरे लोगों को आकर्षित करती है, तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों का मूलाधार जो चक्र होता है वह बलवान होता है। अब जो तंत्र साधनाएं जानते हैं वो तो अलग अलग चक्रों को बलवान बना लेते हैं, लेकिन काफी लोगों के लिए ये संभव नहीं होता है। लेकिन मणिपुर चक्र का एक बड़ा ही आसान सा एक खास प्रयोग है कि अगर आप अपने जीवन में धन आकर्षण करना चाहते हैं तो सूरज डूबने के बाद का 40 मिनट का जो समय होता है वह आप अपने लिए चुन लें और निकाल लें। बिल्कुल उसी समय ये खास प्रयोग आपको करना है। आपको केवल इतना करना है कि कहीं भी बिल्कुल अकेले स्थान पर बिल्कुल खुली जगह में बैठकर नमक वाले पानी में अपने पैरों को डुबोकर आपको अपनी नाभि से सांस लेनी है, यानी कि आपको इस प्रकार से सांस लेनी है कि जब आप सांसें अंदर लेते हैं तो आपका पेट बाहर की ओर निकलना चाहिए और जब सांसें छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर पिचकना चाहिए। इसी प्रकार आपको सांसें लेनी है। अगर 40 मिनट या फिर आधा घंटा भी इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो इससे तुरंत ही मणिपुर चक्र बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में आने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही आप नाभि पर सांस लेना शुरू करते हैं वैसे ही मणिपुर चक्र प्रभाव में हो जाता है और धन आकर्षण निश्चित ही होने लग जाता है। और आपने ऐसा देखा भी होगा कि लाफिंग बुद्धा जो होता है उसका पेट निकला हुआ होता है, वो इसीलिए निकला हुआ होता है क्योंकि वह रिप्रेजेंट करता है कि जो धन आकर्षण की शक्ति है वो आपके पेट में छुपी हुई है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा अधिक नहीं करना है, क्योंकि इससे मणिपुर चक्र ओवर एक्टिव भी हो सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में आ सकता है। तो इसीलिए पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट ही केवल आपको करना है, और वो भी तब करना है जब सूरज डूब जाता है, केवल संध्या समय में, या अगर आप सुबह कर सकते हैं सूरज उगने से 40 मिनट पहले कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बस इतनी छोटी सी चीज़ को आप स्वयं करके देखें। इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग सांसें लेते हैं वे इतनी ही सांसें लेते हैं कि उनके गले तक पहुंचती है या फिर सीने तक ही पहुंच पाती है, नीचे बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा चिंता में होता है, डिप्रेशन में होता है, कोई घबराहट में होता है, तो अगर आप उसकी सांसों को देखेंगे तो वो बहुत तेज़ी से सांसें लेता है और उसे सांसों की कमी सी लगने लग जाती है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया है कि 40 मिनट या आधे घंटे आपको ये प्रयोग करना है, तो अगर इसी प्रकार आप सांसें लेते हैं, पेट फुला कर लेते हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अद्भुत परिणाम आपके जीवन में निश्चित ही आने वाले हैं। और इस चीज़ को आप स्वयं अभी खुद करके देख सकते हैं और कल से ही सूरज ढलने के बाद का नियम आप बना सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ को आप स्वयं करके देखें, इससे निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और धन आकर्षण जीवन में होने लग जाता है। बल्कि जितनी भी चीज़ें फिर आप सोचेंगे वो भी मनोकामनाएं निश्चित पूरी हो जाती हैं, क्योंकि मणिपुर चक्र किसी व्यक्ति का अगर प्रभाव में आता है तो ऐसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है कि वह मनोकामना करता है और उसे प्राप्त ना हो सके, क्योंकि मणिपुर चक्र भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्थान होता है जो कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराता है। इसके बारे में और भी विस्तार से हम आने वाले वीडियोस में निश्चित बताएंगे कि किस प्रकार और भी ज़्यादा प्रभाव में आ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना है कि इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं उन बातों को बिल्कुल सही से आपको मानना है, क्योंकि तंत्र साधनाएं जो होती हैं ये एक प्रकार का तंत्र प्रयोग है और तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वह बड़ी ही ज़्यादा खास और शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि तंत्र में आपके शरीर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत ही तेज़ी से उनके असर और उनकी शक्ति देखने को मिल जाती है। तंत्र साधनाओं की ये खासियत होती है कि इसमें बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता है और सबसे ज़्यादा अधिक अपने शरीर की ही इंद्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए तंत्र साधना करने वाले जो साधक होते हैं
उनके पास अद्भुत गजब की शक्तियां मौजूद होती हैं, सिद्धियां प्राप्त उन्हें होती हैं। वे दूसरों की बातों को जान सकते हैं, दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं, दूसरों के मन में कोई भी ख्याल डाल सकते हैं, दूसरों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं और अदृश्य शक्तियों से भी बड़ी आसानी से संपर्क कर सकते हैं। किसी को सम्मोहन, किसी को वशीकरण बड़ी आसानी से किया जा सकता है तंत्र साधना के माध्यम से। बल्कि अगर कोई व्यक्ति तंत्र साधना जानता है तो अपने शत्रु को भी काफी ज्यादा वह परेशान कर सकता है। और इसी के बारे में विस्तार से आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिन्हें सीखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।